आज रठाला विधानसभा में भाई महेंद्र गोयल जी के साथ में पदयात्रा पे हूँ और जिस तरह से पूरी दिल्ली में रेस्पॉन्स मिल रहा है, यहाँ भी और बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स है लोगों का। दुकानों में जो लोग आए हुए हैं, जो लोग खरीदारी करने आए हुए हैं, दुकानों में बैठे हैं, बहनें रास्ते में जा रहे हैं, लोग अपने घर जा रहे हैं, सब गले मिल रहे हैं, सब प्रेम से मिल रहे हैं, सब कह रहे हैं जी बस अब जल्दी से जीत के आओ, दोबारा से केजरीवाल जी को दोबारा से जल्दी से चुनाव आए तो केजरीवाल जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव आए और कब केजरीवाल जी को वोट डाल के उनकी ईमानदारी पर ठप्पा लगाएं, उनकी ईमानदारी को सर्टिफिकेट दें कि देखिए बीजेपी कुछ भी कहती रहे लेकिन दिल्ली जानती है, दिल्ली मानती है कि केजरीवाल जी ईमानदार है। आने वाले चार चुनाव है विधानसभा की दिल्ली, तो उसमें क्या कुछ तैयारी कुछ रहेगी? तैयारी तो जनता कर चुकी है, जनता कर चुकी है, जनता देख रही है कि केजरीवाल जी जैसा ईमानदार व्यक्ति, उनके ऊपर लांछन लगाए गए, जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। इस तरह के लांछन लगाने के लिए केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे थे, उनके काम रोकने की, दिल्ली की जनता के काम रोकने की कोशिश की गई, केजरीवाल जी के काम रुके, सफर किया लोगों ने, लेकिन अब केजरीवाल जी आ गए हैं तो काम भी करवा रहे हैं और इस बार जनता इसका बदला लेगी। मनीष जी, मुख्यमंत्री अतिशी लगातार अपने मंत्रियों के साथ सड़कों का दौरा कर रही है, और क्या लगता है जनता आपसे पूछ रही है कब तक उन सड़कों की रिकवरी होगी? दिवाली तक मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि पूरी सरकार मिलकर दिवाली तक मुख्य सड़कों की रिपेयर करें और जो काम तेजी से होने हैं उनको बहुत तेजी से करें।